बिल्किस बानो केस में सजायाफ्ता दोषियों की रिहाई पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है कि ये बीजेपी का आजादी का अमृत संस्करण है, जो लोग जघन्य अपराध के दोषी हैं उन्हें आजादी दी गई। एक धर्म के लिए बीजेपी की सोच ऐसी है कि क्रूर बलात्कार और घृणा अपराध भी क्षमा योग्य है। क्या रुबीना मेमन की माफी पर भी बीजेपी सरकार विचार करेगी, ये सवाल भी पूछा है असदुद्दीन ओवैसी। तो 11 दोषियों की रिहाई यहां पर कर दी गई। ओवैसी अब बीजेपी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। और बिल्किस बानो केस की बात की जाती है तो 2002 में जब गुजरात दंगे हुए थे तो लगभग 20 वर्षीय बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और काफी बर्बरता की गई थी। उसके बाद अब यहां पर आप देखिए सियासत तेज हो गई क्योंकि 11 दोषियों की रिहाई कर दी है, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं